अगर आप लोगों में से भी किसी की ये परेशानी है कि समर्स में ओवर स्वेटिंग की वजह से हमारा टैनिंग हो जाती है धूप की वजह से, या हमारे फेस में ओवर पिगमेंटेशन की वजह से हमारे फेस में जो छोटे छोटे दाने हो जाते हैं और ये पस में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर इसके बाद जो दाग छोड़ते हैं इसको हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा उदास रहते हैं, बहुत ज्यादा सैड रहते हैं। तो अब आपको इस बारे में बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं और इस वीडियो में आपको इन सभी परेशानियों से निजात पाने के लिए मैं एक रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिससे आप बहुत ही इजिली अपनी इन प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर। टू माई ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। सो गाइज, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी सेहत का और अपने स्किन का बेहतरीन तरीके से ध्यान रख रहे हैं। बारिश का मौसम होता है उसमें जो हमारे पिंपल्स होते हैं वो पस बना देती हैं और पस के बाद जो हमारे फेस पर दाग होता है वो बहुत ही गंदा दाग होता है, उसको हटाना बहुत ही। सभी परेशानियों से निजात पाने के लिए आज जो मैं आपके साथ अपनी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही कारगर नुस्खा है और ये मैंने अपने ऊपर पहले अप्लाई किया है, देन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और बिलीव मी गाइज, आप इसको 1 मंथ अप्लाई कीजिए, देन आप खुद ही इसका रिजल्ट देखेंगे, आपके फेस पर जो ग्लो आएगा यकीनन वो। सो गाइज, आप इस रेमेडी को ट्राई कीजिए और फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका रिजल्ट कैसा रहा आपके लिए। दाग छोड़ जाते हैं जिन्हें लाइफ टाइम हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो उसके लिए आज मैं जो अपना नुस्खा लेकर आई हूँ ये बहुत ही कारगर है और ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है। इसमें हम नींबू को जो इंक्लूड कर रहे हैं तो इससे आपके फेस पर जो आप जैसा कि आप जानते हैं कि नींबू में एसिड होता है और एसिड तो जो जितनी भी तरीके की गंदगी आपके फेस पर डलनेस जमा होता है इसको ये बर्न कर देता है। हाँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपके फेस को ये किसी भी तरीके से हार्म नहीं करेगा, बट आपके फेस पे जो डलनेस होगा और जो भी डस्ट या इनको जरूर ये बहुत अच्छे से ठीक कर देगा। सो गाइज, आप इसको एक बार अप्लाई कीजिए और आप खुद ही आप इसका रिजल्ट। गाइज, आपको अपना फेस पैक 15 से 20 मिनट लगा के रखना है। जब 15 से 20 मिनट हो जाए तो आपको इसको एकदम से पानी से वॉश नहीं करना है, आपने क्या करना है इसको एक बार ब्लेंड कर लेना है अच्छे से, पूरे फेस पर हमें ब्लेंडिंग करना है। इससे क्या होगा कि आपके फेस पे जो भी जैसे पिंपल्स वगैरह के वजह से दाग होते हैं ना ये अच्छे से रिमूव हो जाएंगे और छोटे छोटे हेयर्स होते हैं ना ये भी बहुत अच्छे से रिमूव हो जाते हैं, इसका बेनिफिट ये होता है और हमारे फेस पर ज़्यादा अच्छे से क्लीननेस आता है और हमारा फेस थोड़ा और अच्छे से क्लीन होता है और स्किन को ये हमारे और अच्छे से जो
डस्ट वगैरह जमा होता है ना, डस्ट पार्टिकल्स इस फेस पे हमारे जमा इकट्ठा हो जाते हैं, तो ये इसको बहुत ही इजीली रिमूव कर देता है। इसके लिए आपने क्या करना है, इसी तरीके से पहले पूरे फेस पे अगेन ब्लेंड करना है एंड मसाज की तरह इसको पूरे फेस पे अप्लाई करना है, मसाज करना है। देन इसको फिर आपको ठंडे पानी से वॉश करना है, बिल्कुल चिल्ड वाटर से। गाइस अब आप देख सकते हो फेस कितना नीट एंड क्लीन हो गया है, बिल्कुल भी दाग धब्बे अगर आपके फेस पे है तो एकदम से हट जाएंगे और बहुत अच्छा ग्लो आएगा आपके फेस पे। इसके बाद आपने क्या करना है, आपका पूरा ये प्रोसीजर हो गया, ठंडे पानी से आपने क्लीन कर लेना है। उसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप होता है कि हमें इसको कोकोनट ऑयल से पूरे फेस पर आपको 5 मिनट्स मसाज करना है। 5 मिनट्स जब आप मसाज करेंगे तो फिर आप मॉर्निंग में देखेंगे कितनी अच्छी शाइन आपके फेस पे आ जाती है। ये आपको डेली मसाज आपको डेली 5 मिनट्स करना है, बट ये जो रेमेडी है ये आपको वीक में ओनली 3 डेज ही अप्लाई करनी है, और वो भी आपको रात को अप्लाई करना है। अगर आप इसको रात को अप्लाई करेंगे तो इसका आप ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देख पाएंगे, इससे आपके फेस में ज़्यादा अच्छा ग्लो आएगा। और बिलीव मी गाइज, आप एक बार ट्राई करके देखिए मेरे कहने पर, आप इसका बहुत अच्छा रिजल्ट पाएंगे और ये आपको फेस आपके फेस को शाइनी और ग्लोई और ये जो भी दाग धब्बे इन सब चीजों से छुटकारा दिलाने में बहुत हेल्प करेगा। अगर आपकी कोई भी परेशानी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और फेस से रिलेटेड। और अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन वो आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।